सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। स्वागत है दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। आपका सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी याददाश्त केवल एक सेकंड ही होती है? ए पक्षी की, बी कुत्ते की, सी मछलियों की, डी बिल्लियों की। आपका सही जवाब है सी मछलियों की। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो 360 डिग्री एंगल पर देख सकता है? ए गाय, बी बकरी, सी मोर, डी शेर। आपका सही जवाब है बी बकरी। आपका अगला सवाल है, महलों का शहर कौन सा है? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी उदयपुर। आपका सही जवाब है ए कोलकाता। आपका अगला सवाल है, कागज की खोज कहां हुई? ए जापान में, बी अमेरिका में, सी चीन में, डी इंग्लैंड में। आपका सही जवाब है सी चीन में। आपका अगला सवाल है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? ए टॉलीवुड, बी हॉलीवुड, सी बॉलीवुड, डी लॉलीवुड। आपका सही जवाब है डी लॉलीवुड। आपका अगला सवाल है, संसार का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? ए हमिंग बर्ड, बी टिनी बर्ड, सी मिनी बर्ड, डी हैरी बर्ड। आपका सही जवाब है ए हमिंग बर्ड। आपका अगला सवाल है, केले में कितना प्रतिशत पानी होता है? ए 60%, बी 45%, सी 75%, डी 85%। आपका सही जवाब है सी 75%। आपका अगला सवाल है, किस जीव की इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होती है? ए हाथी की, बी हिरण की, सी ब्लू व्हेल की, डी शुतुरमुर्ग। आपका सही जवाब है डी शुतुरमुर्ग। आपका अगला सवाल है, हमारे भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? ए पेड़ा, बी गुलाब जामुन, सी जलेबी, डी पेठा। आपका सही जवाब है सी जलेबी। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके फिंगरप्रिंट इंसानों की तरह होते हैं? ए चिंपैंजी, बी बंदर, सी कोआला, डी गोरिल्ला। आपका सही जवाब है सी कोआला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें। आपका अगला सवाल है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? ए पिसिकल्चर, बी विटिकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, डी पोलेरिकल्चर। आपका सही जवाब है बी विटिकल्चर। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा फल है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? ए सेब,
बी केला, सी अंगूर, डी पपीता। आपका सही जवाब है ए से। आपका अगला सवाल है, ऐसा जानवर जो कभी पानी नहीं पीता है। ए ऊंट, बी कंगारू, सी जेब्रा, डी लोमड़ी। आपका सही जवाब है बी कंगारू। आपका अगला सवाल है, रोटी पर घी लगाकर खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है। ए खांसी, बी पथरी, सी कैंसर, डी शुगर बैलेंस। आपका सही जवाब है डी शुगर बैलेंस होती है। दोस्तों, रोटी पर घी लगाकर खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। रोटी पर घी लगाकर खाने से हार्मोन संतुलित होती है, अतिरिक्त तैलीय खाना खाने से रोका जाता है, वजन नहीं बढ़ता है, इम्यूनिटी सिस्टम को खराब करता है, ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। आपका अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है। ए कद्दू की, बी भिंडी की, सी आलू की, डी लौकी की। ये सवाल आपके लिए है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो इसका जवाब कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।